हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? शायद अच्छे होंगे, हम लोग भी बढ़िया है। और आप बज रहे दोपहर के एक, और अभी भी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखो, ये सब्जी लेके बैठी हूँ क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ, इसके लिए इसको काट रही हूँ। आज बस दाल चावल बनाएंगे। कल रात बहुत देर से भैया के घर से आए थे, और उसके बाद आप लोगों से छोटू सा एक ब्लॉग शेयर किया। हाँ, ब्लॉग नहीं है वो, एक जैसा वीडियो था। वीडियो से अगर सुबह से कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि बहुत देर तक हम लोग सो रहे थे। क्योंकि रात में जब आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए वीडियो बना रहे थे, तब बज रहे थे एक, शायद एक या दो बज रहे थे रात को। सो उसके बाद सुबह आके मैं सोए थे, उस टाइम मुझे नींद नहीं आई। बस फोन कॉल कर रहे थे, वीडियो एडिट कर रहे थे, बहुत सारे काम कर रहे थे। सो इसलिए सुबह के 5 या 6 बजे उस टाइम मैंने सोने गए, और नींद आई उस टाइम, और उठी मैं 11 बजे उस टाइम में उठी। उसके बाद फ्रेश हुआ, बैठी रहे, बस कुछ नहीं खाए, मेडिसिन लिया। खाली पेट जो मेडिसिन लेना था मुझे, वो मेडिसिन लिया। और ये देखो, ये अब सब्जी बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ, और आलू चोखा। और मेरे गले की हालत थोड़ा ख़राब है। मैं बहुत पहले आप लोगों से शेयर किया था, मैं जब बाहर निकलती हूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। सच में मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगी। इसलिए फिर से गले के हालात खराब है। भैया के घर से आने के बाद देखते हैं कब तक ठीक होने वाले ये। हर दिन साफ करने के लिए मैं छुरी लेती हूँ, पर आज कुछ नहीं लेके बैठी हूँ मैं, देखो, क्योंकि ये छुरी लेके भी कोई फायदा नहीं। इसको या 4 दिन या 5 दिन हो गए लाए है तनमय बाजार से, इसलिए थोड़ी थोड़ी सूख चुकी है। सोच रहे हो नहीं, ऐसे ही काट दूँ, छिलका रह जाए तो रहने देते हैं थोड़ी छिलका, क्योंकि मैं इसको छुरी से भी साफ करूँ ना, छुरी चाकू कुछ से भी साफ करूँ तो साफ नहीं हो पाएगी पूरी तरह, इसलिए सोचे नहीं रहने देते हैं। हम लोग इसको बोटी बोलते हैं। सो इसे जितना साफ होते होने देते हैं, उसके बाद रहने देते हैं, वैसे ही बना लेंगे। और भंतु को चल रही है एग्जाम, पर शनिवार को उसका एग्जाम है फिर से। बीच में गैप थी इसलिए गए थे भाई के घर। बर्तन साफ कर लिया, अब पानी भर रही हूँ। खाने का पानी जो हम लोग बॉटल में भर के रखते हैं ना, पानी भर रही हूँ। घर के काम खत्म होने के नाम ही नहीं लेते हर टाइम। एक काम करो दूसरा काम आ जाते हैं, इसको बोलते हैं घर के काम। खाना वाना बना लिया, सब कुछ डन। आप बनाऊंगी आलू चोखा, और आज आलू चोखा फ्राई नहीं करूंगी, बस जो जो है उसे माप के रख दूंगी। आलू चोखा बनाने के लिए ये देखो, इसमें है लहसुन और प्याज और सूखी मिर्च। मैं इसको थोड़ी सी भाज के रखी हूँ आलू चोखा बनाने के लिए। और इधर है उबले हुए आलू तिल, ये बहुत ज़्यादा ही गर्म है, इसलिए ठंड करने के लिए मैं इसे ठंडा पानी से डुबा के रखी हूँ। थोड़ी सी ठंडा होने पे उसके बाद अच्छे से माफेंगे इसको। और ये देखो, ये जो सुक्तो है ना, हम लोग इसको सुक्तो बोलते हैं, इसको बहुत कड़वा होते हैं। इसको बनाए मम्मी जी ने, और मेरे लिए, मम्मी के लिए ही बनाए थे, बस मम्मी का खाना डन और ये बची हुई मेरे लिए। और इधर दाल और ये सब्जी जो आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना, जो काट रहे थे ये सब्जी, और ये चावल उबल रहे हैं। बस आज के बस लंच यही है, ये सब कुछ है। कल रात जो मैं आए थे ना भाई के घर से, सो काजल वजल पहने थे, तब मैं अब देख के बोल रहे अभी तक काजल है, सुबह सुबह पहने हो क्या?
नहीं नहीं काली पहने थे ना वो मुंह साफ किया, वैसे काजल उतने के नाम ही नहीं ले रहे इसलिए आप थोड़ी काली काली हो चुकी है। बोले ठीक है। सो अब मैं जाऊंगी नहाने, पहले आलू चूखा बना लेते हैं उसके बाद। हमारे घर में दो टीम बन चुकी है, एक कच्चे मिर्च से आलू चोखा बनाना और एक जो सूखी मिर्च से आलू चोखा बनाना। आज तन्मय की फेवरेट आलू चोखा बन रही है, उसको सूखी मिर्च से पसंद है और मुझे कच्ची मिर्च से, और बंधु को सब पसंद है। मेरे खाना डन, मैं खाना खा चुकी हूँ, आप खा रही है बंधु दाल चावल और आलू चोखा। आपका फेवरेट है बंधु दाल चावल? दाल चावल बहुत पसंद करते हैं बंधु, इसलिए खा रहे। डालर कितना डाल ले लिया देखो। अभी तक तन्मय ने खाना नहीं खाए, इसलिए उसका खाना होने के बाद ये मैं अच्छे से माफूंगी। इसको बोलते हैं आमड़ा, पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। सो उसका खाना होने के बाद तीन आमड़ा है, इसको मैं माफूंगी और हम तीनों खाएंगे। खाना खाने के बाद दोपहर में या रात को, बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद होते हैं, बहुत सारे लोगों को खट्टा। मुझे तो खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है, तन्मय को मीठा पसंद है, पर रात को दोपहर में वो भी खट्टा चीज़ खाना पसंद करते हैं। इसलिए दोपहर में हम लोग खाने के बाद ये आमड़ा या स्टार फूड कोई भी चीज़ हो वो सब खाते हैं। तो चलो थोड़ी देर के लिए वीडियो एडिट करूँगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद दिखा जाएंगे। आमड़ा काटने से पहले अच्छे से साफ़ करना चाहिए। मैंने पहले इसको छील लिया, अच्छे से छिलका छीलने के बाद अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया, क्योंकि इसके अंदर से थोड़ी आटा निकलती है और चिपचिपा सा होता है। ये तैयार है मेरे आमड़ा माखा, अब हम लोग खाएंगे इसको। मिर्च थोड़ी कम है इसलिए तन्मय बोल रहे थे मिर्च थोड़ी कम दो, कम दो, बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालना, कम करके डालना, इसलिए मिर्च कम है। बट ठीक है, टेस्टी है ये आमड़ा, मीठा है इसलिए बैलेंस हो गए। थोड़ी सी खट्टा है, थोड़ी सी मीठा है, थोड़ी सी नमकीन है, थोड़ी सी मिर्च है। अच्छी बनी है, तीखा नहीं है बिल्कुल, है ना? Hey guys, good evening. बजे है शाम के 6 और आज ब्लॉग बनाने के बिल्कुल मन नहीं है। सच में पता नहीं क्यों दोपहर में सुबह से कुछ भी ब्लॉग अच्छे से नहीं बनाए, बस छोटे छोटे से कुछ क्लिप लिया, बस वो ही छोड़ दिए, पूरा वीडियो नहीं बना पाए। पता नहीं क्यों, बहुत दिनों से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, गल में प्रॉब्लम हो रहा है, बात करने में दिक्कत हो रहा है, और इसी बीच में पूजा ये भाई के घर बहुत प्रोग्राम चल रहे थे, गए थे, सो ठान भी लग गए, बहन के बर्थडे थी उस जगह भी गए, शायद इसलिए पता नहीं। डॉक्टर के पास जाना है मुझे, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रहा है और ज़्यादा ख़राब हो गए तो बस मेरी टाइट फीस हो जाएगी। सो बहुत सारे काम भी है अब घर पे, मैं अब रात की खाना बनाऊंगी, उसके बाद बहुत सारे वीडियो एडिट करना है, बहुत सारे वीडियो मेरे पास है, जम रहे हैं वीडियो, वो सब क्लियर करना है, शॉर्ट अप करना है, वीडियो एडिट करके शॉर्ट वीडियो के लिए, शॉर्ट चैनल पे पोस्ट करने के लिए। और मैं बातें कर रही हूँ, मेरे गले में साना ही बज रहा है, हम लोग बोलते हैं ना पैसा, एक आवाज़ निकल रहा है, क्योंकि मेरे तबीयत ख़राब है, क्योंकि मेरे ग्लैंड का प्रॉब्लम, गले में एक प्रॉब्लम है, इसलिए बात करने में तकलीफ होते रहते, दर्द होते रहते हैं टाइम। मैं वही बोलती हूँ, मेरे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। सो आज रात के लिए बनाऊँगी चाउमीन, घर पे बनाऊँगी आलू चाउमीन अंडा देके। सो कोई नहीं, वो सारे काम करके उसके बाद घर में काम है बोल रही हूँ, ये काम है, ये देखो कितना सारा कपड़ा है, देखो
मैं धोके गई थी भाई के घर, यही पे रह गई। इसको सब आज सॉर्ट आउट करूँगी, इसको सब गुछा, इसको सबको गुछा के उसके बाद शोकेस के अंदर रखना है। और बहुत दिनों से बोल रही हूँ ये शोकेस साफ़ करना है, पर बिल्कुल मैं नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों, एक के बाद एक, एक के बाद एक काम लगातार आते रहते हैं, आते रहते हैं। और वो काम दूसरे काम पर इन्वॉल्व जब जब हो जाती हूँ मैं, ये काम छूट जाते। सोच रही हूँ नहीं, आज किसी तरह ये काम करना है। और शॉर्ट्स वीडियो जो है वो तो एडिट करना है, वो तो शॉर्ट्स चैनल पे जाएगी। सो चलो अब चलते हैं और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।